और बात करते हैं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के दिल्ली दौरे की। सचिन पायलट ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की, सत्ता और संगठन के मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में पायलट ने कहा कि राजस्थान में पिछले 30 सालों में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की सरकार की बनने की परिपाटी रही, लेकिन AICC ने 2 साल पहले कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के जरिए राजस्थान में सत्ता और संगठन में कई कदम उठाए गए, उसी पर हमें आगे भी काम करना है ताकि हम लोग संगठित रूप से 2023 के चुनाव में राजस्थान में फिर से सरकार बना सके। इसी सिलसिले को लेकर सोनिया गांधी से चर्चा हुई, अच्छी मुलाकात हुई और आने वाले समय में हम और भी आगे बढ़ेंगे। पार्टी अध्यक्ष को पूरा फीडबैक दिया है। संगठन दृष्टि से हम लोगों को आज देश में आम व्यक्ति के लिए जो संघर्ष करना है उस पर चर्चा हम लोगों ने करी है। जिस प्रकार की दमनकारी नीति भाजपा सरकार अपनाई हुई है अपने राज्यों में और केंद्र के अंदर हम सबके सामने है, उसके लिए आम जन की आवाज़ बनने के लिए कैसे पार्टी को और मजबूती से काम करना है उस पर चर्चा हुई है। और संगठन के चुनाव भी आप जानते हैं चल ही रहे हैं, उस प्रक्रिया पर चर्चा हुई है और आने वाले समय में जो राजस्थान की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में मैंने फीडबैक दिया, उस पर चर्चा की है। और मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि पिछले 30 सालों में राजस्थान में हमेशा एक बार BJP सरकार एक बार कांग्रेस सरकार एक परिपाटी बनी हुई है, लेकिन जो AICC ने कमेटी बनाई थी लगभग 2 साल पहले उसके माध्यम से राजस्थान के अंदर संगठन सरकार में कुछ कदम हम लोगों ने सही दिशा में उठाए हैं, उसी पर हमें और आगे काम करना है ताकि हम लोग संगठित रूप से 2023 के विधानसभा चुनावों में राजस्थान में दोबारा सरकार बना सकें। ये हम सबका मत है। इसी सिलसिले को लेकर हमने चर्चा करी है। इससे पहले मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट से पहले भी मिला था, आज दोबारा मुलाकात हुई है, अच्छी मुलाकात हुई है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग और मजबूती से आगे बढ़ेंगे।